मुद्दा क्या है बोलो। आपको जोहार और आपका चैनल के माध्यम से सभी का मेरा जोहार रहेगा। हमारा मुद्दा यही है कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं, हमारा जो झारखंडियों का आवाज है उसे दबाने का प्रयास किया गया और अपने आप को कहा जा रहा कि हम भी झारखंडी है। अगर वो लोग झारखंडी है तो 47 नियोजन नीति का जब छात्र का आंदोलन हुआ तब वो लोग कहाँ थे, और जब JSSC का आंदोलन हुआ तब वो लोग कहाँ थे, इतना सड़क बंदी हुआ तब वो लोग कहाँ थे, जब छात्रों को घसीटा गया, पीटा गया, सिर फोड़ा गया तब वो लोग कहाँ थे। यही हम चाहते हैं कि वो लोग झारखंड में आए कमाने खाने तो वो लोग यहाँ पर कमाए खाए, लेकिन झारखंडियों का अधिकार मांगने का प्रयास ना करे। और झारखंडियों का सिर्फ झारखंड है, कोई बाहर से आएगा यहाँ कमाने खाने और बोलेगा हम यहाँ के स्थायी निवासी बनेंगे, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा आवाज को दबाया गया है, हमारा जो विचार है हमारा विचार को जलाया गया है, ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मुद्दा है? मुद्दा देखिए, मुद्दा सीधी है। आज हम लोग खाने के लिए उसको जगह दिए, रहने के लिए जगह दिए हैं, लेकिन आज वो लोग क्या बोल रहा है, आपका घर दीजिए। तो दादा, वो लोग को खाने के लिए हम लोग दे सकते हैं, लेकिन रहने के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन यदि अधिकार मांगेंगे तो अधिकार नहीं देंगे। आइए ना, काम करिए, खाइए, लेकिन नहीं, जो हम लोग हांडी में खाने के लिए दे रहे हैं वही हांडी को पीछे से छेद कर रहा है, तो ये नहीं चलेगा। आइए काम करिए, और हाँ, हमारा विचार के साथ, जयराम महतो हमारा विचार है, और विचार के साथ यदि छेड़छाड़ हो जाएगा दादा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम सीधा बोलते कि छेड़ोगे तो छेड़ा जाओगे, बस एक ही है। और उस लोग का यही संदेश है कि आने वाला दिन ऐसा कदम मत उठाइए, नहीं तो हम लोग छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि झारखंडी भावनाओं के बहुत ठेस पहुँचा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि झारखंड में जयराम महतो, आंदोलनकारी जयराम महतो सभी झारखंडी जनमानस के लिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति का आंदोलन कर रहे हैं और उसको पूरे झारखंड में लागू करने के लिए सरकार को दबाव बना रहे हैं और जनहित के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कोई बाहरी भीतरी नहीं है, लेकिन यही बात है कि यह स्थानीय लोगों का 90% परफेक्ट मिले, उसको अधिकार मिले, हक अधिकार मिले, ये जो है उसके विरुद्ध में, जयराम महतो के विरुद्ध में एक उसके हाँ उसके विरुद्ध में, जयराम महतो के विरुद्ध में और झारखंडियों के विरुद्ध में एक मशाल विरोध रैली किया गया था। इसके विरुद्ध में हम लोग एक जगाने के लिए और उसको बताने के लिए हम लोग एक जन रैली किए पूरे झारखंड का, जो झारखंडी भाषा खतन समिति की ओर से, ये रविंद्र सदा टाइगर विवेक टाइगर है, सदा टाइगर झारखंडी झारखंड भाषा विकास समिति के हम लोग एक मुद्दा क्या है। रविंद्र ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, क्या कहें? हाँ देखिए, परिचय बताने के साथ। हाँ, मेरा नाम आदित्य हुआ, मैं मास्टर डिग्री कर चुका हूँ, बीएड कर चुका हूँ, एमएड कर चुका हूँ। ये मेरा क्वालिफिकेशन बताने का मकसद है कि हम लोग PGT भी लिखे हुए हैं। आपको पता होगा कई दिन पिछले कई दिन में जो आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, उसका जो रिजल्ट आया उसमें कितना धांधली हुआ, नगर पालिका वाला में कितना सेटिंग वेटिंग का बात आया, जिसमें JSSC माना भी, हम लोग रांची में धरना प्रदर्शन भी किए। इस तरह से कई मुख्यमंत्री आवास घेराव हुआ एक दो बार, आपका विधानसभा घेराव भी हुआ। हम लोग छात्र जो है झारखंड का आंदोलन पे आंदोलन करते जा रहे हैं, यहाँ का सरकार, यहाँ का जो विधि व्यवस्था है पता नहीं किसके लिए बनी है। हम लोग का उम्र पार होते जा रहा है, परंतु यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। यही मुद्दा है मेन, नहीं वो है, आज हम लोग जुड़े हैं यहाँ पर इस आंदोलन में, आज टाटा के साक्षी आज चौक में, बिरसा मुंडा चौक में। उसका कारण ये है कि कुछ दिन पहले जमशेदपुर में बाहर से कुछ लोग जो आए हुए हैं, यहाँ काम करते करते थोड़ा घर उर बना लिया, सोचता है कि हम भी झारखंडी है। भाई झारखंडी है, तुम्हारा भी सम्मान है, लेकिन जो मूल झारखंडी है, मूल यहाँ का खुटकट्टी है, मूल निवासी आदिवासी जो है, उसका हक अधिकार आज 23 साल का झारखंड हो गया, हक मारते मारा ही जा रहा है। और तुम लोग भी वही आकर के जो हम लोग का नेतृत्व करता जयराम महतो ने जो पूरा झारखंड को जगाया है, पूरे नेता लोग को जगाने का काम कर रहा है, मंत्री लोग को जगाने का काम कर रहा है, उसका विचार को जलाने का काम किया है। ये लोग 4-5 लोग मिल करके ग्रुप बनाया है, खतियान विरोधी ग्रुप। अच्छा ठीक है, तुम ग्रुप बनाओ, स्वतंत्र है तुम, लेकिन कौन होता है हमारे यहाँ जो विचार को तुम जलाने वाला, जलाने का काम किया, उसके आक्रोश में आज यहाँ पर आक्रोश रैली निकाले गया था। ये हम लोग कभी कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड में
मतलब इस तरह का असामाजिक तत्व हो। झारखंड के विचार, झारखंड के सिद्धांत, झारखंड के हक अधिकार को जो चलाने वाला है उसके विरुद्ध में क्या जा रहा है? किसी के विरुद्ध में नहीं, ये हक अधिकार का लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, यहाँ के स्थानीय तक लड़ाई है, यहाँ जो अधिकार मिले सब स्टेट में नीति बना है उसका विरुद्ध में काम, उसका विरुद्ध में ना हो, हमें भी अधिकार चाहिए। हाँ, यहाँ कोई रह रहा बाहर से उसका विरुद्ध नहीं, लेकिन यहाँ जो यहाँ का अधिकार है, मूल अधिकार है, जिसको यहाँ पूर्व पुरुष से जिसके लिए झारखंड राज्य अलग हुआ है, उसके लिए जरा हम जयराम बाबू लड़ाई लड़ रहा है, जरा आंदोलनकारी लड़ रहा है, तो उसका अधिकार के लिए लड़ रहा है। अगर इसके लिए हम लोग उसके सिद्धांत के विरुद्ध में कोई करेगा, झारखंड के विरुद्ध में करेगा, तो उसके विरुद्ध हम लोग काम करेंगे, इसको तब बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड के खिलाफ इसके इसके लिए किसी को यहाँ जो बसने आने खाने पीने इसके लिए कोई हम लोग कभी नहीं बोले, मना नहीं किया, लेकिन अगर हक अधिकार हकमारी छीनोगे और स्थानीय तो अगर सरकार भी ये देखिए अभी तक स्थानीय तो नहीं लगा रहा है, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और वो आंदोलन तो जो झारखंड का राज बना है उसका आंदोलन होना चाहिए और होगा, अभी झारखंड झारखंड के लोग मानस जा चुका है। यहाँ पर नीति चाहिए, हम लोग असल हालत में नीति चाहिए झारखंड में, नहीं तो 81 विधायक हम लोग बाहर के फेंक डालेंगे। यहाँ पर कोई काम का नहीं है, यहाँ पर नीति मुद्दा क्या है? नीति नहीं तो मुद्दा यही है कि हमारे जो आइडल है जयराम दा, उनके खिलाफ कुछ जो झोला छाप नेता है जो अपना चेहरा चमकाने के लिए अभी है कि पूर्वी सिंहभूम विधानसभा में घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, अगर उनका मुद्दा इतना ही कड़ा था तो जो 86 जो टाटा का लीज का एरिया है और 86 एरिया के लिए जो हाँ 86 बस्ती जो है वो उसके लिए वो लोग लड़ाई लड़े ना, और लड़ाई भी लड़ना है तो कह लिए बाहरियों को क्यों बसाने के लिए 86 बस्ती के लिए, रैयत जो है उनको अधिकार दिलाइए, हम भी उनके साथ खड़े हैं। अगर वो क्या बोलते हैं हमारे आइडल का जो है जयराम दा का वो पुतला दहन कर रहे हैं, मतलब उनके विचारों का, जो हम लोग का विचार है उनसे तो टकराना बहुत बड़ी बात है। जयराम दा का, जयराम दा एक पहाड़ है और पहाड़ का हम लोग एक छोटे से कंकड़ है, जो अभी इतना आप जनसैलाब देखे उस पहाड़ के टूटे हुए कण है हम लोग, और उसके ऊपर अगर कुछ आँच आता है तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि हम लोग ऊपर से उनको पहले गुजरना होगा, उसके बाद जयराम दा के पास जाना होगा उनको। नाम बताओ। मेरा नाम सरोज कुमार माथो।